हैं जो धार्मिक स्थान हैं उन्होंने किस तरह वध चढ़ के सेवावान निभाइया जान और बहुत ही सुचे तरीके सेवावान चलन उन्होंने जिम्मेवारियां साढ़े बहुत ही असरकार योग दिल्ली कायदे प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका जनरल सकत्तर साहब पुजे हैं और अपने हथ कर्कम सब प्यार सत्कार देंगे और सारियां तरीके चलान की अपनी सेवावान निभान और सारे बड़े ही सत्कार योग बिक्रमजीत सिंह जी रोणी भुल्लर जी और पहुंचे हैं लाल गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी की अमृत वेले थी बोले सरदार कुलजीत सिंह जी भाटिया बहुत ही वड्डे सीनियर शुरू तो ही अकाली बहुत वड्डी सेवावान निभाते हैं उन्होंने भी जिम्मेवारी सौंपी गई है। शाह सतिंदर पाल सिंह जी राणा जो कि पूरा ही परिवार गुरु घर नाल जुड़िया होया है बहुत वड्डी सेवावान निभा रहे हैं। अमृत वेले की सारी संभाल गुरु जी नाल भी सारी सेवा निभाते हैं उन्होंने जी सरदार जसपाल सिंह जी राजू वीर जी हरिंदर सिंह जी लांबा हरविंदर सिंह जी लांबा सरदे पूजन सारियां नूं सत्कार मिलना है बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल सारे कट्ठे हो जाओ जी नाल गुगली जी मोटे नाल मोटे मिला के करनगे उहनां नूं जिया नूं बोले बोले भाई मैं बैठ जाऊंगा मुर्गी करके खाऊं ना। जी आओ बोले सोनिया देखो ये चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या गुरु घर के सारे सेवादार होंगे और अज सरदार अमरजीत सिंह गुल्लू और अमरजीत सिंह जी गुल्लू और सारी टीम इन्हों के भाई साहब उन्होंने की नाम ने सतेंद्रपाल सिंह सारे इतने इतने जेडे भी नौजवान मेरे नाल वीर ने सारे जिम्मेवारी दी है बतौर शीशगंज साहब की सेवा की सब तो वड्डी गल उस समय के जिम्मेवारी पार्टी ने दी है जिथे श्रोमणी अकाली दल का 125 साल असी मना जा रहे हैं नाल ही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के प्रकाश पुरब की असी शताब्दी मनानी है इस साल के अहम जिम्मेवारी इन्हों दी है और इन के काम हूँ सारे वक्त वक्त वंडे जाएंगे क्योंकि किसी ने बिल्डिंग देखना किसी ने लंगर हॉल देखना और किसी ने सरावं देखनी किसी ने बाकी प्रबंध देखने तो मैं समझदा कि सारे नौजवान वीर जिते श्रोमणी अकाली दल की हमेशा बाँ मजबूत करने वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदे आ उत्थे ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज इन्हां नूं जिहड़ी सेवा दित्ती गई है मैं समझदा कि अपनी पूरी ईमानदारी तनदही दे नाल गुरु महाराज की सेवा करनगे उस स्थान है जिथे ऑलरेडी है सेवा के रूप च करदे बट अज अहुदेदारियां जिहड़ी इन्हां नूं दित्तियां गईआं एक जिम्मेवारी पाई गई है साढ़े विच सरदार रमीत सिंह खानपुरी भी साढ़े नाल जुड़े ने और उन्होंने भी सानू वादा किया कि असी मैं भी इन सेवा दे विच हिस्सादार बनांगे मैं उन्होंने भी जी आया कहना और सारे इत्थे आए हुए पतवंते सज्जन नूं मैं धन्यवाद भी करदा और जी आया कहना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जैसा ऋणी है कि जिन्हां ने यह सेवा मेरी चोली विच पाई है ते नाल ही ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 1700 ਸਰ ਭਗੇਲ ਬਾਬਾ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1783 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦਾਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੁੱਲੂ ਭਾਅ ਜੀ
इन्हों इतें हूँ चेयरमैन होने की सेवा मिली है, बहुत खुशी होंगी है। नाल ये अं चाहते हैं कि बहुत वड्डी जिम्मेवारी है जिहड़ी निभानी पैनी है हुण, क्योंकि एक चेयरमैन ही होए जो मर्जी होए इत्थों दे सेवादार ही हैगे आ। भाई साहब होण, सिरसा जी होण, कालका जी होण, जिहड़े मर्जी अहुदेदार होण, अहुदे जिहड़े लाए जांदे आ, क्योंकि एक साडी डिसिप्लिनरी कमेटी आउंदे हुंदी आ एक करके, मगर सारे ही अहुदेदार जिहड़े हैगे उह सेवादार आ संगत दे, ते संगत उत्ते कुछ नहीं। मैं इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना है कि अज इन्हां ने इन्नी वड्डी सेवा मिली है। गुरु महाराज जिहदे उत्ते हथ रखदा उहनां नूं सेवा मिलदी आ, इदां सेवा निभाउंदे रहण। गुरु महाराज दे संगत नूं कोई कष्ट ना आए, संगत नूं कोई भी अगर कोई दुख दुविधा हुंदी आ उह इन्हां कोल आउण, उह अपना निवारण करन। असीं अज इन्हां दे नाल मोढा ला के मोढा खड़े होए हैं कि जो ये सेवावां निभा रहे हैं, जो साडे तों बन सकिया, जित्थों तक असीं पहुँच सके, असीं जरूर इन्हां दा साथ दांगे। गांह भी गुरुद्वारा साहब दे लई, कित्ते भी कोई संगत दी कोई सेवा होए, असीं इन्हां नाल खड़े हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना सारिया नूं, जिहड़े जिहड़े अज उहनां नूं अहुदे मिले आ, ते साध संगत दे अगे हाथ जोड़ के बेनती करना, इदां ही गुरुद्वारिआं ते ध्यान रखिए। साध संगत जिहड़ी आ गुरु रूप आ, इत्थे उत्ते डेरियां दे मूँह मारने बंद करिए, सिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे सामणे आपां अपना सिर चुकाइए, ते इन्हां तों ही जो पुछणा पुछिए, ते इत्थों ही अपने जिहड़े भी कोई संकट आ दुविधा दूर करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो साढ़े वीर नूं अमरजीत सिंह गुल्लू वीर जी नूं जो सीसगंज की वाइस चेयरमैन ही दित्ती गई है, उहदे संबंध दे विच और पूरी टीम दे नाल असीं इत्थे आए सी अज, और इत्थों दी जिहड़ी सारा प्रबंधां दा और जो भी इत्थों दा रख रखाव आ उहदे विच असीं पूरी टीम बनाई है। सरदार हरमीत सिंह कालका जी और पूरी टीम, विक्रम जी, सारे पूरी टीम जिहड़ी आई है, उन्हां ने अज गुल्लू वीर जी नूं इत्थे, अमरजीत सिंह गुल्लू वीर जी नूं नाल इत्थे बाया वा, ते नाल पूरी टीम जोड़ के ते इत्थों दी सेवा संभालदा, मतलब कि जो सेवा संभाल जिहड़ी इत्थों दी आ उह गुल्लू वीर जी नूं दित्ती आ, और असीं सारी टीम पूरी गुल्लू वीर जी दे नाल आ। उह सवेर दा उन्हां दा नियम भी है, 12 बजे तो लैके 3:30 बजे तक इत्थे ही होईदा, असीं भी उन्हां दे नाल सेवा निभा रहे हैं। और वाहिगुरू तो चाहते हैं कि साड़ी ये महाराज ये सेवा मतलब कि दे उत्ते महाराज मेहर रखन, ते असी सेवा करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।